बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन नदीमुज़्ज़मा सफ़ी साहब, और आज हम जिस पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी तरफ हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है। अमेरिका जो बहुत अरसे से सेंट्रल एशिया की मादनी दौलत के ऊपर नज़र रखे हुए था, अब उसको एंट्री पॉइंट मिल चुका है और वो एंट्री पॉइंट क्वाड टू के नाम से जो एक डिप्लोमेटिक फोरम बनाने की वो कोशिश कर रहा है, और उसकी पाकिस्तान के हवाले से जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है, तो उसने ये हमारे सामने कैरेट रखी है। अच्छा, अलाइनमेंट जो है दुनिया के अंदर वो अब वाजे हो चुकी है। अमेरिका का बहुत करीबी इतिहादी बन के इंडिया सामने आया है, और आप जानते हैं कि और कुछ दिनों के अंदर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो भी दौरे पर आ रहा है इंडिया के, जहाँ पे वो मोदी से मिलेगा, उसके अलावा जो है जयशंकर से मिलेगा। और अमेरिका चाह रहा है कि क्वाड जो ग्रुप है उसको मजीद ताकतवर किया जाए, ताकि चाइना जो है उस पर एक तरफ नजर रखी जा सके और चाइना पे दबाव कायम किया जा सके। और आप जानते हैं कि क्वाड बनाया ही बेसिकली चाइना के खिलाफ एक फौजी अलायंस जो है वो बनाया गया था, इसीलिए जो है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्योंकि चाइना के करीब है, इस वजह से पाकिस्तान की वो अहमियत अब अमेरिका की नज़र में नहीं है। अभी DGISI और मोहित यूसुफ जो पाकिस्तान के NSA हैं, वो तो जा चुके हैं, निकल चुके हैं अमेरिका के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई खास उम्मीद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी, एक बात मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये याद रखें कि पाकिस्तान की अब अमेरिका के लिए कोई अहमियत नहीं रही है, और अगर कोई अहमियत होती तो अभी तक बाइडन या कोई और बड़ी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी होती, पाकिस्तान से रابطہ कर चुकी होती। जबकि हम देख रहे हैं कि फ्लॉयड ऑस्टिन के बाद अब जो ब्लिंकन है वो दौरे पे आ रहा है इंडिया के, तो पाकिस्तान को सजा दी जाएगी, ये हकीकत है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जो है वो आगे बढ़े, और पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है चाइना। इस हवाले से बहुत से थ्रेट्स पाकिस्तान के लिए जो हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, और उसमें एक मैं बात बताता चलूं कि अब इसमें कोई दो राय नहीं रही कि एक जो एंटी पाकिस्तान ट्रॉयका जो मार्जे वजूद में आ चुका है, जिसके अंदर इंडिया है, अमेरिका है और अफगानिस्तान है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से गुजरने वाली CPAC और BRI को रोक सकें। और आप जानते हैं कि बाइडन खुद इस चीज़ का ऐलान कर चुका है कि वो अब कोल्ड वॉर के अंदर है चाइना के खिलाफ। हालांकि चाइना का भी लेटेस्ट भी बयान आया कि उन्होंने कहा है कि पता नहीं क्यों एंटी चाइनीज फीलिंग को देना चाह रहा है हवा अमेरिका, हालांकि चाइना सबके साथ कोऑपरेशन और ट्रेड की बात करता है। पाकिस्तान की बात तरफ फिर आएंगे, हमारी कुछ आपको पता है फॉल्ट लाइन्स हैं, और वो फॉल्ट लाइन्स भी हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हैं। जब आप जंग की बात करते हैं तो जंग का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है मेंटेनेंस ऑफ एम, और हमने देखा जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान एक ऐसी एंटिटी थी जो 1947 से पहले मौजूद नहीं थी, ये एक ख्वाब था, एक नज़रिए का नाम था जिसके बदौलत हमने ये ज़मीन हासिल की, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क का एक हमने टुकड़ा जो है लैंड का वो तो हासिल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर तक लेके जाने के लिए हम लोग खुद भूल गए। बकौल शायर के ज़माना तो बहुत शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो आज हमारे अपने उस एम से दूर होने की वजह से जो थ्रेट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इन हालात के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा और जो जिसे आप हाइब्रिड वॉर कहते हैं, और हाइब्रिड वॉर में आपको बताता चलूं कि ये एक फौजी जो है स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो जराए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड मुल्क की अवाम को खुद अपनी रियासत के खिलाफ वर्गलाया जाता है, और उसके बाद मसाइल खड़े करके कोशिश की जाती है कि वो रियासत अपने अंदर से ही कोलैप्स करके। तो सर, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा खतरा बाहर के खतरात से है, या वो फॉल्ट लाइन जो हमने अपनी नाकामियों, अपनी कोताहियों और अपने एम से दूरी की वजह से पैदा कर रखी है, उनकी वजह से ज्यादा बड़ा खतरा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट विद यू, और माशाल्लाह आपकी जो इंट्रोडक्शन है इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आपके सवाल पे आता हूँ, वो इस वक्त पाकिस्तान सिचुएशन फेस कर रहा है, इसके ये मल्टी फैसेट प्रॉब्लम है। आपने जो कहा कि बाहर के जो दुश्मन है वो तो थे ही, शुरू से थे, अभी भी हैं और ये रहेंगे, इसमें इजाफा होता जाता है, कमी नहीं होती।
जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इंटरनल हो रही है वो काफी लम्हे फिक्री है, इसलिए कि इसमें बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 साल जब से पीटीआई की हुकूमत आई है जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वो रिस्पांस करने की या तो सलाहियत नहीं रही है या किसी वजह से वो रिस्पॉन्ड करने में हिचकिटा रहे हैं। द रिजल्ट इज कि जो दुश्मन बयानियां है जो यहाँ इंटरनल हमारे एंटी स्टेट बैठे हुए हैं उनकी हिम्मत अफजाई हो रही है बिकॉज कोई उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन अभी तक नहीं लिया गया ना। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है कॉल्ड जुडिशरी, क्योंकि ये काम जुडिशरी का है कि जो भी आपके स्टेट में रहते हुए एंटी स्टेट एक्टिविटीज में या स्टेटमेंट में मुलव्वस है वो उनके पास एक सुमो मोटो चीफ जस्टिस के पास होता है कि ये मैं समझता हूँ कि आपने ये गलत काम किया, और वो बुला लेते हैं और उसका एक खौफ एक डर रहता है जुडिशरी के की एक हॉक आई की तरह वो बैठे होते हैं देख रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है पिछले कई बरसों से कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है हमारा ये डिसफंक्शनल है, खास तौर पे अगेंस्ट दी डायनेस्टोक्रेसी जो डायनेस्टीज है। जुडिशरी की तरफ से कोई सो मोटो नहीं आ रहा तो इदारे भी तो है ना, वो तो केसेस बनाए ना, पुलिस भी है आपकी, वो केसेस बनाए। और जो आप जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं जिसका हमने एक मुजाहिरा कुछ दिन पहले आजाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन में देखा, फिर कल हमने देखा, और एक ऐसी बात फैलाएगी कि पाकिस्तान कहीं सूबा बनाने जा रहा है आजाद जम्मू एंड कश्मीर को, और कल जो एक वाकया नाखुशगवार वाकया हमने देखा जो पेश आया नीलम वैली के अंदर, उसके पीछे भी जो वो जो वीडियोज आई उसमें वो बात कर रहे थे कि जी नए सूबा हम नहीं बनने देंगे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने तो कभी ये किया नहीं। तो सर बाकी जो है इदारे उनका भी तो काम है ना कि वो पहले एक्शन लें और फिर केसेस बना के आप जुडिशरी को भेज दें। जी बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये होना चाहिए। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मैं आपके साथ एक पहले प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपना जो असर्टिवनेस है वो दिखाई नहीं है, क्योंकि उनका काम है कि ये इस तरह की चीज़ों को नोटिस लें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरी नज़र में, आई मे बी रॉन्ग, जो प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनकी जो कॉन्सेप्ट है बिटवीन एंटी स्टेट क्या चीज़ होती है और एंटी गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है, पॉलिटिक्स में दरवाजे बंद नहीं करते हैं, डायलॉग चलता रहता है, इसमें जो फर्क है वो उनकी समझ में इतना आसानी से आता नहीं है कि एंटी स्टेट कहाँ पर शुरू होता है। इसलिए उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जो हमारे एजेंसीज हैं उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, और एक एक नैरेटिव ये बिल्डअप कि हम अगर ले तो कारकर्दगी रही है जुडिशरी की, लेके जाएंगे तो वहां से स्टे मिल जाएगा, और वो हम देख रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद कोर्ट के, इन फेवर ऑफ डायनेस्टोक्रेसी, तो वो हम स्टे मिल जाता है। ये बढ़ने की कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा, हालांकि इनको चाहिए कि दे मस्ट प्रिपेयर दी केसेस एंड इनको वहां लेके जाए। हैविंग सेड दैट, द मेन थिंग नाउ कि अभी हम सिचुएशन जिसमें आ गए, खास तौर पर जो अफगानिस्तान के हवाले से आपने जो बात की थी और जो हमारे जो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं और पाकिस्तान अब उनके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को हैज़ टू मेक अ वेरी क्लियर डिसीजन। अमेरिकन्स ने बड़े ओपनली पिछले महीने डेढ़ दो से, जब से ये उन्होंने विड्रॉल शुरू किया, अपने कार्ड जो ऐसे लेके बैठते थे उन्होंने कार्ड टेबल पे दिखा दिए कि उनको, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो प्रेजेंट रजीम के साथ खड़े हुए अफगानिस्तान में और उनकी वो पूरी मदद करेंगे, ओवर द टारगेट, ओवर द होराइजन टारगेटिंग करेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो अब टाइम ये आ गया है कि पाकिस्तान शुड टेक अ वेरी क्लियर स्टांस, जैसा कि इमरान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नॉट एट ऑल, उसके जवाब में अब उस नॉट एट ऑल की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है। दे हैव, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। हमारी जो एग्रीमेंट्स हैं अमेरिकन के साथ जो पहले हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, और उससे ये ओवर द एयर स्पेस के हवाले से और ग्राउंड के, वो अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया। दे मस्ट इमीडिएटली कैंसिल दोज, ताकि आपकी एक पोजीशन नॉट एट ऑल की हवाले से एक नजर आए कि हाँ, नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर डिसीजंस। दूसरी चीज ये कि इन केस वी फाइंड अ थ्रेट
डेवलपिंग, हम अपने आप को उस थ्रेट से बचने के, वो एक जनरल नैरेटिव चल रहा है कि खुदा नखास्ता अगर ये हो गया तो खुदा नखास्ता, ऐसी कोई चीज नहीं, खुदा नखास्ता जो होने वाला है वो होगा, हम उसकी तैयारी करें। मेरा जो नजरिया है वो ये कि पाकिस्तान इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, वी हैव द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड गिव अ ब्लडी नोज टू द एनिमी, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर उन्होंने अभी जैसे उन्होंने फोर स्टार जनरल है जो अमेरिकन के, उन्होंने कहा कि जी हम ओवर द होराइजन टारगेटिंग करेंगे और तालिबान के ठिकानों पे हमला करेंगे वगैरह, तो वी मस्ट बी देन बी केयरफुल कि हमने जब कह दिया कि आप हमारी एयर स्पेस नहीं यूज करेंगे, और अगर वो करते हैं देन वी शुड बी रेडी विद द कॉन्सिक्वेंसेस कि हम उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ये कहना कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों का ये ख्याल है, ये गलत है। उनके जो यहाँ रीजनल इंटरेस्ट है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम उनको टारगेट करें और उनको ये तैयारी करें। जनरल जिया साहब का मैंने पिछले दिनों भी स्टेटमेंट दिया था जब वो राजीव गांधी को कह कर आए थे कि भाई ठीक है अगर आप तैयारी कर लें, अगर आपने ये अपनी ब्रास टैग बंद नहीं की तो मैं वापस जाके वहां से फिर आपको फायर करूंगा। ठीक है इस्लामी ममलिकत की हैसियत से मैं शायद ना बचूं, पाकिस्तान ना बचे, आप भी मारेंगे, लेकिन आपकी, हमारे पास दुनिया में बहुत इस्लामी ममलिकतें हैं लेकिन हिंदू ममलिकत कोई नहीं, आप खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने फौरन ब्रास टैग खत्म कर दी थी। तो हमारे पास भी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, दे मस्ट सिट टुगेदर वेरी डिलिबरेट डिसीजंस लेने के बाद, आवाम को कॉन्फिडेंस मिले, और सबसे ज्यादा जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वी मस्ट टेक चाइना इनटू कॉन्फिडेंस कि देखो नाउ द गेम इज, हमें नजर आ रही है दे आर हेडिंग फॉर द कॉन्फ्रंटेशन एंड वी कैन नॉट बी सिटिंग क्वाइटली, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एंड जो आपकी पोजीशन बनती है उनके साथ उसको अडॉप्ट करें, सो दैट इन टाइम अगर रुकना है, अगर कॉन्फ्रंटेशन होनी तो होगी, अल्लाह ताला ने अगर ये लिखा हुआ है कि हाँ जी यू हैव टू फाइट तो यू हैव टू फाइट, लेकिन अगर इसमें कोई बचाव का रास्ता है तो वो सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि यू मस्ट कन्वे टू द एनिमी बोथ इंटरनल एनिमीज और एक्सटर्नल एनिमीज कि वी मीन बिजनेस, वी डोंट केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक और सवाल करूंगा, देखिए मैं बजाते खुद एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का जो है ना कायल हूँ। पाकिस्तान बना था हमारे अबाउ अजदाद ने जो नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग लॉबी पाकिस्तान बनने के बाद से इस ला इलाहा इल्लल्लाह को इस मुमलिकत से हटाना जा रही है, हालांकि कॉमन सेंस की बात है। और मैं ये बड़े बड़े इनके जो बैठे हुए हैं यहाँ पे स्कॉलर्स, उनसे भी सवाल ये करता हूँ कि अगर पाकिस्तान को कायद आजम ने सेकुलर रियासत बनाना था तो सेकुलर इंडिया और सेकुलर पाकिस्तान, तो फिर इसमें सेकुलरिज्म कहाँ पे गया? सेकुलरिज्म का तो मतलब ये कि नो रिलीजन, फिर कायद आजम को पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? तो सर क्या आप नहीं समझते कि जो पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा सख्त अटैक हो रहा है वो पाकिस्तान की बुनियाद पे हो रहा है, वो बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक तबका ये चाह रहा है कि हम जो है मादर पिदर आजादी की तरफ जाके अपनी उस बुनियाद को छोड़ दें, ताकि हमारी जो ये एक स्टेट है ये एक सिर्फ हवा के झोंके से गिरने के काबिल हो जाए। और डोंट यू थिंक इस वक्त जो आपको फोर्सेस नजर आ रही हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां दे रही हैं, वो सारी की सारी एक ही सोच रखती हैं, एंड दैट इज कि पाकिस्तान को एक लिबरल रियासत बनाया जाए और इसको इसके असास से, इसकी बुनियाद से दूर किया जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, एब्सोल्युटली यही एक सोचो समझा पॉलिसी के तहत ओवर द लास्ट 2-3 डेकेड्स चल रहा है मामला, लेकिन अब लास्ट 3 इयर्स में इन्होंने इसमें तेजी आ गई है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मुसलमानों को ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि यहूदी और नसारा के को दोस्त ना बनाएं और उनके साथ अपने राज ना शेयर करें। एक दूसरी जगह उसकी सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है जिसमें कहा कि जब आप ऊपर इस तरह की इर्द गिर्द ये चीजें आप देख रहे हैं, जुल्म हो रहा है आपके साथ के जो दूसरे मुसलमान भाई जैसे कश्मीर में हो रहा है उन पे, तो आप पर ये लाजिम है कि आप अपनी तमाम तर कोशिशों को लाते हुए जिहाद की तैयारी करें, और अगर आपको अपने घर मकान जायदाद इतनी अजीज है तो बैठे रहें, इंतजार करें जब अल्लाह ताला का कायर नाजिर हो। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 75 में भी पूरा ये क्लियर किया गया कि हमारे पर बहसियत इस्लामी ममलिकत, हम पर क्या चीज वाजिब है और हमारे डिसीजन मेकर्स को इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इनके मुताबिक काम करना चाहिए, और इसके नजदीक जितना आप जाएंगे, एक एक लफ्ज जो कुरान शरीफ का है आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, देयर ऑर्डर्स,
वो पढ़ के चूम के ऊपर रखने वाली चीज नहीं है, वो पढ़ के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जब हमारे डिसीजन मेकर इसके नजदीक वापस आएंगे और इसको देखेंगे और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये मैसेज बड़ा क्लियर जाएगा सर। लेकिन एक नबी करीम, ये मैंने दो जो रेफरेंस दिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं, तो साहबा ने पूछा जहाद अकबर क्या, आपने कहा जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी। सर इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बहुत बड़े मुजाहिद हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन जब मेरी पर्सनल लाइफ की बात आएगी तो मैंने किसी चीज को उसके मकाम पे नहीं रखा हुआ और मैं जालिमीन के अंदर सबसे बड़ा जालिम हूँ। तो सर ये काम जो है इस चीज के बारे में एजुकेट करना, या लेट मी से जिस तरह वो करते थे कम्युनिस्ट इंडोक्ट्रिनेट करना, ये स्टेट का काम है। और अगर आप देखें अपनी स्टेट को, अपनी आवाम को देखो, तो आपको करेक्टर बहुत कम नजर आएगा, बहुत कम लोग हैं, आपको यहाँ पे बदमाशी जोंस नजर आएगी, यहाँ पे बदतमीजी नजर आएगी। जिन मकासद के लिए इस मुल्क को बनाया गया, जो हमारे मुल्क के फाउंडिंग फादर्स के जो करेक्टर थे, आपको नजर आएगा कि बड़े सोचे समझे तरीके से अपने छोटे छोटे फवायद की खातिर उस करेक्टर को तबाह करके एक नया किस्म का दो नंबर करेक्टर जो है वो अवाम के अंदर जो है उसको उछाला गया, ताकि नफ्स परस्ती के अंदर हम उस मकसद से भूल जाएं जिसकी खातिर ये मुल्क बना था। तो आपके ख्याल में वो क्या तरीके हैं जिससे हम दोबारा इस मुल्क की करेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि आप जानते हैं नेशनल पावर का भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल करेक्टर, तो करेक्टर बिल्डिंग के लिए हुकूमत को क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए, और जो मेंटेनेंस ऑफ एम है यानी कि जिसके लिए पाकिस्तान बना था उसके लिए उस एम को घर घर बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए रियासत की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। देखिए बहुत ही वाइड बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके बड़े पहलू मुख्तलिफ सामने आपके आएंगे। नंबर एक, कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे पहली बात तो जो आपकी लीडरशिप है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं वो जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि पिछले दिनों या अभी जो भी है इसमें कॉल और फेल में तजाद है, इसलिए लोगों का कन्विक्शन कि भाई जो आपके लिए बहसियत इस्लामी मम्लिकत में जो आपकी तरह जिंदगी होना चाहिए, जो आपको एक दूसरे के साथ डीलिंग में अडॉप्ट करना चाहिए, उससे दूर दूर होते जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्कूल की और कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज की निसाब है और जो वहाँ माहौल क्रिएट कर दिया गया है, जो हमारे जमाने में 1960s में था, ये नए नए आज़ाद हुए थे, गोरों के तसल्लुत का जो असरात थे अभी भी मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी माहौल ऐसा था जहाँ हमें ये समझ में आ रही थी कि ये गलत है और ये सही है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हमारे सो कॉल्ड इस उलमाए कराम घूम रहे हैं, जो मस्जिदों में उन्होंने मदरसे खोले हुए हैं और सारा कुछ किया हुआ, उन सब के होने के बावजूद, जो हमारे ज़माने में नहीं था इतना, जो अब हो गया है, उसके होने के बावजूद क्या वजह है कि हम वो चीज़ पैदा नहीं कर पा रहे जो जिस मकसद के तहत ये मुल्क बना था। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो हमारे जो सो कॉल्ड जो उलमाए कराम जिनको बड़ा तज़ीम और तकरीम के साथ बुलाया जाता है, इनके अपने कॉल ऑफ फेल में बड़ी तादाद है, इनके इनके अपने जहन में वो चीज़ जो आपने निशानदेही की कि अपनी ज़ात से कोई चीज़ अगर मुंसलिक है तो उसको कुर्बान करने को तैयार नहीं है। दे कांट लीड बाई एग्जाम्पल, वो खाली बोलेंगे, जबानी मेंबर पे खड़े होकर तकरीर कर देंगे, बट उनकी अपनी अगर आप कारकर्दगी देखें, उनके अपना कॉल ऑफ फेल देखें, तो उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया कि इस अरसे में जो कौम हमारी थी, हमारी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन और उसके बाद अब जो आ रही है, इनमें वो चीज़ दोबारा पैदा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं और जो आपके बहैसियत लीडर आप अपनी कारकर्दगी और अपना कैरेक्टर सामने लेके आ रहे हैं, लोग उससे इंस्पायर हो और उसके मुताबिक फिर काम करें। लेकिन अगर जैसे कि अब हमने देखा कि पिछली दो हुकूमतों में जब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी खा रहे थे, करप्शन हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, तो वो एक जो रेड़ी वाला है या एक कोई आम आदमी जो शहरी है वो कहेगा यार सारी चीज़ें मुझ पर ही क्यों लागू हो रही हैं, क्यों नहीं ये बड़े जो खा रहे पी रहे हैं इनके बारे में क्या ख्याल है। तो इसलिए जो इमरान साहब ने जो इस्लामी रियासत और मदीने की रियासत का जिक्र करते हैं, उसकी बुनियाद क्या थी, उसकी बुनियाद ये थी कि लीडरशिप जो थी वो अपने किरदार, अपने कॉल ऑफ फेल से ये चीज़ बावर करा रही थी कि जो हम आपके लिए चाह रहे हैं हमारे लिए पर भी वही चीज़ लागू है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है इनको, प्रेजेंट गवर्नमेंट को, टू पुट अ रिवर्स गियर। वरना अभी जो चीज़ है वो ये
मैंने आपसे गुफ्तगू में पहले कहा था कि वो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि यही लोग हैं अजल से जो फरेब दे रहे हैं, कभी डालकर नकाबे कभी ओढ़ कर लिबादा। तो ये आप देखेंगे जो हमारी जो आपके जुमला इस्तेमाल करूंगा कि डेमोक्रेसी को एक मजहब बना लिया है, डेमोक्रेसी हैज गॉट नो प्लेस इन रिलीजन। हमारा जो है उसका अपना मजहब जो है, उसकी जो दीन है, उसकी जो तमाम इंस्ट्रक्शंस है, वो इटसेल्फ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है हर लिहाज से। आपको अपने मुल्क चलाने के लिए आपको किसी और चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी बाय द पीपल ऑफ द पीपल, ये सब वेस्टर्न चीजें हैं जो हमारे इस्लाम में इसका कोई कोई गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेसी इस वक्त मजबूरी भी है क्योंकि हम अभी तक डेवलप नहीं कर सके अपने लिए एक सिस्टम जो है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट को चाहिए कि उलमा को, टेक्निक्रेट्स को बुलाएं, बिठाएं, उनको आप फाइनेंस करें, बैठे रहें, साल लें, दो साल लें, दो साल के बाद कोई निज़ाम वाजे करें कि इस निज़ाम के तहत, ताकि जो हमारे निज़ाम की फॉल्ट लाइन है वो खत्म हो। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं एक सेकंड या इस जो आपने बात की बिल्कुल सही की, एक पूरी इस पर एक तवज्जो देके इस पर एक काम करना चाहिए ताकि आपकी फॉल्ट लाइन रिमूव हो। मैं आपको तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि प्राइवेटली जब हम और आप बातें करें, प्राइवेटली यहाँ पर भाई कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पर सो कॉल्ड उलमाए दीन नहीं है, लेकिन हमारे आप जैसे ख्याल रखने वाले उन्होंने पूरा इसका निज़ाम तरतीब दिया हुआ है। देर आर जैसे आपके स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का इदारा है, वैसे व्हाट्सएप पे वो भी बैठ के बात कर रहे होते हैं स्पेस लेके, और उनके पास पूरा इस हर चीज का इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ कैसे, पूरा इस्लामी निज़ाम का एक तर्ज अमल जो है वो तैयार किया हुआ है। उनको मौका दिया जाए कि वो आए बैठे, आपको बुलाएं उनको। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो ये सिस्टम पे काम कर रहे हैं और ये कई कई सालों से काम कर रहे हैं और ये तैयार है इस वक्त, और उनमें बड़े लोग बैठ के फिर उसको समझे और उसमें जो तब्दीलियां करनी है, जो बेहतरी लानी है वो लाए, उसके बाद उसको अडॉप्ट करें। बेशक ऐसे सर, टाइम हमारा खत्म हो गया, जाने से पहले कहूंगा फिर मैं बात करूंगा, मेंटेनेंस ऑफ एम, जब मेंटेनेंस ऑफ एम होता है तो तमाम जो आपकी एनर्जीज होती हैं वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए करती हैं। पाकिस्तान के पास एम मौजूद है जो हमारे अबाउ अजदाद ने जब इस मुल्क को आज़ाद करवाया उसको। आज याद रखें, जो आपको आपकी बुनियादों से दूर करना चाह रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, जो आपकी बुनियादों को कमजोर करना चाह रहा है वो आपका दोस्त नहीं है। जब आप बुनियाद पे आ जाएंगे, जब आप उस जिस वजह से, जिस जज्बे ने, से जिस नज़रिए ने इस मुल्क को बनाया उस नज़रिए पे आ जाएंगे, तो आपको कहीं पर सब नेशनलिज्म नहीं नजर आएगा। नंबर टू, जब आपके सामने टारगेट हो और आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना है तो रास्ते इमटीरियल रह जाते हैं, आपके अंदर फिरका वारियत भी नहीं रहेगी। लेकिन मंजिल को पहचाने, उससे इश्क करें, उससे मोहब्बत करें और उसके रास्ते पे चलें, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान बना था क्यामत तक कायम रहने के लिए। इंशाल्लाह ये क्यामत तक कायम रहेगा, सिर्फ अगर जो इस वक्त मसाइल आ रहे हैं वो हमारी कोताही हैं। और जाते जाते इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल करूंगा पेश कि आपने फरमाया कि अगर तुम दुनिया में तब्दीली चाहते हो तो तहजीब नफ्स का आगाज अपनी जात से करो, तुम बदल जाओगे तो दुनिया बदल जाएगी। मुझे और अदीब साहब को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।